अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, खुश हैं। और एक खुशखबरी ये है कि टाइगर का ट्रेलर डेट आ चुकी है और दो न्यू पोस्टर्स भी आ चुके हैं। और हमेशा की तरह हम उन दोनों पोस्टर को लेकर आ चुके हैं आपकी खिदमत में मिनी रिव्यू के लिए, अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करने के लिए। टीज़र तो हमने देखा था, बहुत अमेजिंग था और मैसेज था। बेसिकली लोग कह रहे थे वो टीज़र ही है, उसका नाम जैसा पठान के टीजर का नाम अलग से रखा था। मुझे याद है वो कहते हैं कि मेरे बेटे को आप ये दुनिया इंडिया बताएगा कि उसका बाप क्या था। और अब मैं पता नहीं जा रहा हूँ किसी मिशन पे और बाहर से आवाजें मुसलसल आ रही होती हैं जैसा कोई, और फिर एंड में जो फाइट होती है बड़ी कमाल की, डुक 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 चलाते हैं। वैसे तो इस पे ब्लॉकबस्टर लिखा हुआ है मूवी पे, लेकिन हम फिर भी इसका ट्रेलर की बड़ी एक्साइटमेंट है। और कैटरीना कैफ सलमान खान का पेयर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे नज़दीक अगर पूछा जाए ना, जैसे रोमांस के किंग शाहरुख खान है, अगर एक्शन का किंग कहा जाए मेरे नज़दीक सलमान खान है। उन पे एक्शन सूट करता है, सलमान खान एक्शन अच्छा करते हैं। और मुझे तो खैर इनकी जब ये कॉमेडी फिल्म में आते हैं वो भी अच्छी लगती है, लेकिन जब ये एक्शन करते हैं तो इनके एक्सट्रीम लुक और जिस तरह गन चलाते हैं ना, अगर आप लोग भी नोट करें तो वो चीज़ बहुत कमाल की है। मुझे सलमान खान के इमोशनल रोल्स बहुत पसंद है। हाँ, कहते हैं रियल में भी हो जाते हैं, रो पड़ते हैं। और इनका जो रोना है ना वो बड़ा नेचुरल लगता है। बाकी ये कि एक्ट्रेस ने भी इनकी तारीफ की थी। इनका एक गाना है वो हम कभी ओल्डेस्ट गोल्ड अपनी सीरीज में लेके आएंगे, सौ दर्द, उसमें ये ऐसा रोते हैं बिल्कुल आप महसूस कर सकते हैं। उसमें अपनी वाइफ से और बच्चे से दूर होते हैं ना, तो उस लिए रो रहे होते हैं। तो वो हम लेके आएंगे ओल्डेस्ट गोल्ड में कभी आपके लिए। 16 अक्टूबर यानी कि 11, 12, 13, 14 5 दिन बाद जी आ रहा है ट्रेलर टाइगर 3 का। और फाइनली एक्साइटमेंट जो है और ऊपर चली गई है। सो उसको हम कोशिश करेंगे उस दिन जितना जल्दी हो सकर लेके आएँ। अभी अगर आपने टाइगर के पिछले अपडेट्स नहीं हमारे रिएक्शन देखे हुए, जैसा टीज़र का हो गया, जो टाइगर का मैसेज था, या पिछले पोस्टर्स का हो गया, तो आप ज़रूर उनको यहाँ पे देख सकते हैं, पॉपअप हो जाएगा। टाइगर में SRK का था ना? हाँ, टाइगर में SRK ने आना था ना। हाँ, SRK भी आएंगे जैसा टाइगर आए थे पठान ट्रेन वाले सीन में, मुझे याद है उनकी हेल्प करना। तो लेटेस्ट व्लॉग भी हमारा कल ड्रॉप हुआ है अगर आपने नहीं देखा, जिसमें हमने इसकी बर्थडे की रात को सरप्राइज इसको दिया था। और उसके बाद एक और भी आने वाला है जिसमें हम बर्थडे की ट्रीट के लिए गए थे, जाकर जरूर देखें, अपना फीडबैक भी दें, जरूर देखें। तो देख लेते हैं, दो पोस्टर्स है हमारे पास अभी अभी आए हैं और देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। ओके जी, पहला पोस्टर सलमान खान का आ चुका है और ये पीछे कौन सा मुल्क लग रहा है यार? ये POLIS पुलिस इनके पीछे है, पीछे ऊपर देखो हेलीकॉप्टर है, आगे ये बैठे हैं। और सलमान खान का वही जो स्कार्फ है ना, बड़ा मशहूर वाला, वही वाला स्कार्फ है। देखो एक बंदा आगे मरा, बंदा नीचे मरा हुआ है। हाँ, तो एक्शन तो है ही है, एक्शन है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसके साथ साथ डैशिंग तो बहुत लग रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा गाने भी सलमान खान और कैटरीना कैफ के कुछ आए इसमें, कि बिल्कुल ही एक्शन ना हो कि गाने हो। गाने तो आएंगे। हाँ, क्योंकि हर टाइगर में होता है दिल दिया गल्ला, पिछले में था, उससे पहले माशाल्लाह माशाल्लाह, और बड़े अच्छे अच्छे गाने। देखो हल्का सा फ्राउन भी आया, हल्का सा फ्राउन और स्माइल दोनों आई है, बड़े मजे की लुक लग रही है। तो ये मिशन पे है और टाइगर और पठान और वॉर के इवेंट्स को आगे लेकर के चलेगी मूवी, और फिर उससे आगे जाएगी मूवी जो वॉर 2 आ रही है वो, और ऋतिक रोशन की वॉर 2 में या फाइटर में अन्ना ने भी आना था, NTR ने भी, तो वो भी एक कमाल का चीज़ होगी। और इसमें जो विलन है, हमने उनकी बात तो की नहीं, इमरान हाशमी है, तो उनको भी सलमान खान के साथ हम फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन देखेंगे। हाँ, तो बड़ा इंप्रेसिव ट्रेलर है। अब बारी आ गई कैटरीना कैफ की, कि देखते उनके वाले पोस्टर में क्या है। सो ओपन कर लेते हैं हम लोग, 1, 2, 3, go. तो कैटरीना कैफ भी फुल एक्शन मोड में है, गन में से देखो जो निकल रही है। हाँ, रस्सी पकड़ी हुई है, फुल अपना मिशन पे हैं, पीछे लोग हैं और कोई बिल्डिंग लग रही है। तो फुल एक्शन उसमें। अगर इनका हम याद करें ना, एक अनाउंसमेंट जब आई थी, आती हैं टाइगर, तुम्हारी बारी है, रेडी, तो वो उठ के कहते टाइगर ऑलवेज रेडी, वो भी मुझे याद है, बड़ा कमाल था। पेयर अच्छा लगता। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि इसमें गाने हों। डायरेक्टर जो है मनीष शर्मा, इनकी फिल्म्स मैंने आपको बताया था कि अच्छी फिल्म्स जो इन्होंने डायरेक्ट की हुई हैं, जैसा ये रणवीर सिंह की फर्स्ट फिल्म थी। लिखा टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान, फॉलोइंग द इवेंट्स ऑफ। तो यार मुझे तो दोनों पोस्टर बहुत अच्छे लगे हैं, और अभी 4-5 दिन रह गए और इंतजार नहीं हो रहा। मेरा तो दिल है कल ही आ जाए, जितनी मैं बड़ी फैन हूँ सलमान खान। तो बाकी ये है कि आपको कितनी एक्साइटमेंट है ट्रेलर की, और
आपको सबसे ज़्यादा चार्म क्या है टाइगर थ्री के उसमें? सलमान खान कटरीना कैफ को एक साथ देखना, ओवरऑल मूवी के ट्रेलर का ही या एक्शन का चार्म है? आप हमें ज़रूर बताइएगा। सो ये हमारा मिनी सा डिस्कशन रिव्यू जो भी आप कह लें वो था, एंड जिस दिन भी ट्रेलर 16 तारीख को जैसे ही ट्रेलर आता है हम आ जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे। दैट्स इट। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो व्हाट डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग चैनल जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे नए और डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।